हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं आप सभी के बीच जेसीबी 3DX मशीन का जो है हाइड्रोलिक टैंक के बारे में बात करने वाला हूं। कब सर्विस किया जाता है, कब इसका आयल डाला जाता है, कहां से निकाला जाता है और कहां से डाला जाता है, कितने घंटे पर सर्विसिंग किया जाता है, इसी के बारे में आज क्लियर जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मॉडल दिखा दूँ। जेसीबी 3DX मॉडल है इसका, और जो है मशीन पे आने के बाद में, मशीन पे जब आप आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आना है। लेफ्ट साइड वाला जो है टंकी है, यही जो है हाइड्रोलिक टंकी है। राइट साइड वाला डीजल टंकी है, ठीक है फ्रेंड्स। यही जो है इसका हाइड्रोलिक टंकी है। इसका जो है डालने वाला जो है सिस्टम यहाँ से दिया गया है, और इसको निकालने के लिए इसके नीचे देखिए एक ड्रेन नोट दिया गया है। लाल कलर का एरो दिख रहा होगा, वही जो है ड्रेन नोट को खोलेंगे तो हाइड्रोलिक ऑयल पूरा खाली हो जाता है। इसको सर्विसिंग के समय में पूरा खोल के खाली करना पड़ता है। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बताऊंगा कब सर्विसिंग करना है और कितना लगता है। तो यहीं से जो है डाला जाता है हाइड्रोलिक ऑयल, और जो है नीचे से आप सभी को दिखाई दिया, नीचे से ड्रेन किया जाता है। और इसको चेक करने का यही जो है इसका गेज है। देखिए फ्रेंड्स, यही जो है इसका गेज है। इसका जो है लाल कलर का जो निशान दिख रहा है बीच में, यहीं पे यहीं तक आता है, यहीं तक हाइड्रोलिक ऑयल रखना है। अभी फिलहाल जो है हाइड्रोलिक ऑयल कम है, इसको कभी भी बीच तक रखना है, बीच से ऊपर नहीं करना है। ऊपर अगर कर देते हैं तो ओवरफ्लो में बिगने का डर रहता है, ऊपर से बिग सकता है ज़्यादा, टंकी का कैपेसिटी से ज़्यादा आप डाल देंगे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी को बता दूँ, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डालना पड़ता है 110 से 20 लीटर के आसपास में रहता है। 110 लीटर डाल दीजिए, उसके बाद में आप गेज पे देखते रहिए। जब तक ये यहाँ पे लेबल नहीं आता है तब तक आप हाइड्रोलिक ऑयल रुकिए मत, डालते रहिए। लेबल आ जाए तो वहाँ पे, लेबल आने के बाद में आप छोड़ दीजिए, लेबल के बराबर करके उसके बाद छोड़ दीजिए। कम से कम 110 या 20 लीटर के आसपास में आएगा हाइड्रोलिक ऑयल। अब इसका मेन पॉइंट बता दूँ आप सभी को कि इसका जो है सर्विसिंग कब करना है। तो 1500 घंटे का टाइम है, 1500 से 1600 घंटे के बीच में आपको सर्विसिंग कर देना है हाइड्रोलिक ऑयल का, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारे में मैं आप सभी को बता ही दिया। और इस 3DX मशीन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमसे अगर कुछ बातें करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए, हमारा यूजर आई डी नेम है bulletkumar68। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से कोई अगला ब्लॉग वीडियो में। तो आज के लिए बाय बाय।